कई एक कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस कार्यक्रम में अगर हमारे बाएं ओर देखा जाए तो बड़ी संख्या जो है महिलाओं की है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं जो है पार्टी से जुड़ रही है, पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हो रही है। इसके लिए सभी महिला की टीमों को हम जो है धन्यवाद देते हैं, के प्रकोष्ठ को धन्यवाद देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के दिन कर्पूरी जी को तो हम लोग याद करते ही हैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, और हम लोग तो कर्पूरी जी के अंगवाई लोग हैं, उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो नई पीढ़ी है उनको तो इस बात का पता होना चाहिए कि कर्पूरी जी ने क्या क्या संघर्ष किया, तब जाके हम लोगों को ये अधिकार मिला है। फिर भी पर्याप्त नहीं है, अभी लड़ाई बाकी है, और लड़ाई जो है अपने लड़ाई को लड़ा जाएगा और अधिकार को लिया जाएगा। तो इसमें खुशी इस बात की है कि लंबे अरसे से हमारे दल की, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी की, कई वरिष्ठ समाजवादी नेताओं की और स्वयं मेरी भी ये चाहत रही है और ये मांग रही है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को, जो वंचित शोषित समाज के सबसे बड़े पैरोकार रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तो रहे, इस बड़े समाजवादी भी नेता रहे, कि उनको भारत रत्न जो है वो मिलना चाहिए। और आज खुशी है इस बात को लेकर के कि आज भारत सरकार को भारत रत्न देना पड़ा, तो आज हम लोग कह सकते हैं भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। भारत रत्न तो है ही, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और कई एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने मांग की, और जब भी कर्पूरी जी की जयंती को मनाया गया, पुण्यतिथि को मनाया गया, या कहीं भी समाजवादियों ने कभी भी कोई भी बैठक में बुलाया, मीटिंग में बुलाया, तो लोगों की ये चाहत रही है कि उनको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आज जो है उनको भारत रत्न मिला है, तो इसकी बड़ी खुशी है, और इसके लिए हम सबसे ज्यादा अगर धन्यवाद देना चाहते हैं तो आप लोगों को देना चाहते हैं, खास तौर पे बिहार की जनता को देना चाहते हैं, बिहार के समाजवादी विचारधारा को जो जानने वाले लोग हैं, जो अंगवाई लोग हैं, उनको देना चाहते हैं। आदरणीय लालू जी का संघर्ष रहा, उनके नेतृत्व में लालू जी ने काम किया, और बाद में लालू जी ने उनकी जगह को लिया, लोगों ने उनको स्वीकार किया, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, नेता विरोधी दल बनाया, और कर्पूरी जी के काम को उन्होंने काफी आगे बढ़ाया। लोग कह सकते हैं, लोग मानते हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, उस जमाने में कोई छोटी जाति के लोग हों तो खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुआं से पानी जो नहीं निकाले दिया जाता था, मंदिर में प्रवेश से मनाही थी, और बड़ा मजदूरी लोग कराता था, लेकिन उस हिसाब से पैसा गरीबों को नहीं देते थे। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है उस समय सभी नेताओं ने लड़ने का काम किया, तो हम आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने तो पुरानी मांग रही है, लेकिन आपने कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को जो है जन जन तक पहुंचाया और लोगों में ऊर्जा देने का काम किया, एक चेतना पैदा करने का काम किया कि अपने अधिकार को जानो। आज बिहार में कहीं भी गरीब तबके में चले जाइए, दलित समाज में चले जाइए, अति पिछड़े समाज में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वंचित शोषित समाज के बीच जाइए, अगर पूछेगा कि आपको जुबान किसने दी, तो एक ही नाम है, लालू प्रसाद यादव।
तो इसके लिए ऐसा काम जो किसी ने नहीं किया वो लालू जी ने करके दिखाया। और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हीं के पुत्र हैं और हम इतने गौरवान्वित होते हैं कि हमारे पिता कर्पूरी जी के नेतृत्व में भी काम किए हो। तो ऐसा सौभाग्यशाली मेरे से ज्यादा तो कोई हो नहीं सकता। तो हमारा क्या काम है? हम तो भाई जो उनकी लड़ाई है, जो विचारधारा है, उसी को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मजबूती के साथ आपको तेजस्वी यादव कहता है कि जो लड़ाई बाकी है उसका हम लोग पूरा करेंगे। तो जितने हमारे नौजवान साथी हों, आप लोगों का साथ चाहिए, और जितने हमारे बुजुर्ग अभिभावक हों, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। भारत अगर आप लोग सुनो, आप लोग अगर खड़े नहीं होते, बहुत लोग डगमगा गया, बहुत लोग घुटना टेका, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं। ये हम लोग चट्टान की तरह खड़े रहे, मौसम कैसा भी रहा हो, तूफान आए, बारिश आए, बाढ़ आए, सुखाड़ पड़ा, लाठी खाया, जेल गया, केस मुकदमा था, लेकिन हम लोग डग से मग नहीं हुए। ये आप लोगों की जीत है, ये तो एक बड़ी जीत है। तो हम कह रहे थे भारत सरकार जो है अचानक से कर्पूरी जी को दे दिया जाए, ठीक है, देर से ही लेट से दिया तो उसके लिए ठीक है, धन्यवाद है, लेकिन ये आप लोगों के ताकत की वजह से है। और ये समाजवादी विचारधारा किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, जो लोग सोच रहे थे कि समाजवाद अब खत्म हो जाएगा, समाजवादियों की राजनीति खत्म हो जाएगी, और अचानक से हम लोग बिहार में महागठबंधन मनाते हैं, एकजुट होते हैं, समाजवादी परिवार एक होते हैं, भाजपा जाति है, जाति आधारित गणना कराई जाती है। देश में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ जो बिहार ने आपकी महागठबंधन सरकार ने करके दिखाने का काम किया। ये जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया, आंकड़े सामने आए, और जब आंकड़ा सामने आया उसी के अनुपात में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। आज उसी का दबाव है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भारत सरकार ने देने का काम किया। और आश्चर्य की बात है, ये कोई भाजपा वाला लोग भी नहीं सोचा होगा, वही भाजपा वाला लोग जो कर्पूरी जी को गड़ियाता था, आज फूल माला लेकर के खड़ा है, कल पटाखा फोड़ रहा था। ये है समाजवादियों की जीत। अरे ये बिहार है बिहार, हम लोग पहले भी कहते कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। आप इधर उधर कुछ भी करते रहिए, लेकिन बिहार में चलने वाला, ठीक बोल रहे कि नहीं बोल रहे? तो ये लोग तो करता रहता है। चलिए अच्छी बात है, कर्पूरी जी को भारत रत्न तो मिला, लेकिन हम लोगों की तो पुरानी मांग रही है कर्पूरी जी के साथ साथ लोहिया जी और कांशीराम जी को भी दे दिया जाता भारत रत्न, तो इससे बड़ी बात क्या होती। लेकिन देर सवेर हम लोग लड़ेंगे और ले करके रहेंगे, उनको दिलवाया जाएगा। तो इसलिए हम सब लोगों की इच्छा है। और पिछली बार जब शताब्दी समारोह था बिहार विधानसभा का, तो उसमें हम लोगों ने मांग भी की थी, प्रधानमंत्री जी से हमने मांग भी की थी कि आए हैं
तो शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है तो इसकी शोभा भी बढ़ेगी कि अगर आप कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे देते हैं। तो उस समय तो खैर कोई इसकी बात जिक्र भी किसी ने कोई नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन देर ही समझ लोगों को इस बात पे आ रहा है कि भाई बिहार की राजनीति तय करने वाला अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं, किस दिशा में राजनीति जाएगी। तो एक बड़ी खुशी की बात है कि कर्पूरी जी को तो मिला ही मिला, लेकिन दूसरी सोच के हिसाब से अगर आप लोग देखिएगा तो बीजेपी में भारी डर था, भारी भय था कि भाई अभी लोग एक हो गया है, सब समाजवादी एक हो गए हैं, पिछड़ा गरीब सब एक हो गया, पिछड़ा दलित सब लोग, अल्पसंख्यक भाई सब लोग, तो अब बीजेपी क्या करेगी। प्रधानमंत्री मना करते हैं जातीय गणना के लिए, और यहां के भाजपा बोलता नहीं नहीं कराइए कराइए कराइए, ऐसा देखे हैं कहीं। अरे हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के यहां गए, हम ही प्रस्ताव रखे थे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग गए, लालू जी कितना बार आंदोलन किए, कितना बार पार्लियामेंट में इन्होंने मांग रखी, सारी बात कही। इवन उस समय यूपीए की सरकार थी, लालू जी उस समय सांसद थे, यूपीए के सरकार को भी बोला करते थे कि होना चाहिए, तो उस समय भी हुआ, लेकिन डाटा जो है फर्ज हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों ने इसी मंच से, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इसी मंच से एसके मेमोरियल में ही कर्पूरी जयंती जी के अवसर पर ही हम लोगों ने आपसे वादा किया था, अगर आप तेजस्वी को मौका दीजिएगा, महागठबंधन सरकार अगर बनेगी, अपनी सरकार अगर बनती है, तो तमिलनाडु के तर्ज पर आरक्षण की सीमा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तमिलनाडु में 69% था, और हमारे मैनिफेस्टो में भी अगर आप लोग देखिएगा, चुनाव के समय जो हम लोगों ने घोषणा की, उस समय भी हम लोगों ने तय किया था, तो ये बात लिखी गई। और मुझे खुशी हो रहा है कि ठीक 12 महीने एक डेढ़ साल के अंदर उस वादे को हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने पूरा करने का काम किया। 75% तक हम लोगों ने जो है आरक्षण जो है उसकी सीमा जो है हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया, और यही नहीं, खास तौर पे अति पिछड़ों समाज के लिए, जब कर्पूरी जी ने अति पिछड़ों को 12% बढ़ाया था, जब मुख्यमंत्री थे तो 12% किया था अति पिछड़ों का, जब लालू जी की सरकार बनी तो 14% हुआ, और राबड़ी जी की जब सरकार बनी तो उसको 18% किया गया, और आज महागठबंधन सरकार में इसको 25% हम लोगों ने करने का काम किया। तो ये लगातार हम सब लोगों का प्रयास रहा है कि इस दिशा में हम लोग जो अधिकार जिसका बनता है, जो शोषित समाज का, जो पीड़ित समाज है, जो वंचित समाज है, उसको मुख्यधारा में लाने के लिए हम लोगों ने इसको आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया, तो आप 25% हो गया। और लगातार आप देखिएगा, हम सब लोग जो है, हमारी सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, योजना बना रही है। अब जाति आधारित गणना का जो रिपोर्ट आया है, कितना बेरोजगार है, कौन परिवार भूमिहीन है, कौन परिवार के यहां नौकरी नहीं है, सारा काम हो रहा। लेकिन आप एक एक चीज देखिए, हम लोग कहे थे भाई चुनाव में, तो हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख जो है सरकारी नौकरी हम लोग देंगे, आज डेढ़ साल हो गया, लगभग 4 लाख नौकरियां हम लोगों ने देने का काम किया, और ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, अभी आने वाला है, कई विभाग में अभी और लाखों के तादाद में लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। और ये महागठबंधन की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आज तक देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने एक विभाग में एक दिन में 2 लाख से ज्यादा 70 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र जो है वितरण नहीं किया। आज 2 लाख से भी ज्यादा एक जगह सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र जो है दिया जा रहा है, ये मामूली बात नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा और आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इसलिए
हम लोगों ने तय किया था पिछले बार, चाहे टोला सेवक हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, इनके मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। इनके मानदेय को भी हम लोगों ने दुगुना से बढ़ाने का काम किया। जितना पंचायत समिति के लोग हैं, जितना आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनके भी हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। उस बचा हुआ है भाई जिसका बात कर रहे हो ना सुन तो, और जो जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था उस बात को हम लोगों ने पूरा जो है किया है। तो हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोगों ने उस काम को पूरा किया और हम लोग सब लोग यहां एक साथ हुए जुटे हुए हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि बिहार में, देश में अमन हो, चैन हो, सही मुद्दे की बात हो और मुद्दा जो भी रहे, चाहे शिक्षा हो, बेरोजगारी हो, चिकित्सा का हो, तरह तरह की समस्या जो असल मुद्दे हैं उस पर चर्चा हो और उसका जो है निदान हम लोग करें, ये होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, तो जो लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, कहते तो लोग हैं कि फलना हम जातिवादी नहीं है, हम जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन सब कुछ करते हैं, वो तो सब दिखता है। तो हम तो कहना नहीं चाहते, इसलिए तो विषय अलग हो जाएगा। आज खुशी मनाने का दिन है कि आज हम लोगों की जीत हुई है और बीजेपी को कितना इन लोगों का अंदर अंदर लहर रहा होगा कि कर्पूरी जी तो देना पड़ रहा है, तुम वही लोग बुझा रहा होगा। तो आप समझिए कितनी बड़ी जीत हुई, तो इसकी खुशी हम लोग मनाने का काम करें। और हमें खुशी है कि आप लोगों का साथ हम लोगों के साथ हमेशा रहता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाता है, आप लोग लालू जी का साथ नहीं छोड़ते। तो इसके लिए आप सब लोगों को हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके कि आप लोगों के बदौलत इतनी बड़ी ताकत मिली है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ताकत जो है आप लोग इसी हिसाब से आगे देने का काम करें। तो आगे ताकत मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों हाथ उठा करके बताइए, आगे ताकत मिलेगा तो लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना। और ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, राष्ट्र अध्यक्ष जी हम लोग साथ हैं आप, और ये भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन इनको आश्वासन दे दीजिए, पूरी मजबूती के साथ लोकसभा का चुनाव 2024 का हम लोग लड़ेंगे। लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? एकदम मजबूती के साथ। बहुत तरह का लोग ध्यान भटकाने का कोशिश करेगा, ये करेगा, अरे आप तो जान ही ना रहे भाई। अब हम तो पहले से बोलते रहे हैं कि हम लोग चाहे कुछ हो जाए, लालू जी नहीं झुके भाजपा के आगे तो तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। ये ईडी और सीबीआई को लगाएंगे, लेकिन विचलित नहीं होना है। आप सब लोग लालू यादव हैं, आप सब लोग तेजस्वी यादव हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मजबूती के साथ एक रहिए। और मेरा एक बात जरूर मानिएगा कि छोटों के यहां जाइए, गरीबों के घर जाइए, उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके दुख और सुख का भागीदार बनिए। ये वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, वचन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दलित हो, अति पिछड़ा समाज के हो, वंचित समाज के हो, इन सब लोगों को, अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। अगर बीजेपी वाला, भाजपा वाला अगर दंगा फसाद कराने का प्रयास करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही मजबूती के साथ उसकी रक्षा करने का काम करना, ये संकल्प लेकर के आप सब लोगों को जाना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार फिर स्वर्गीय कर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न
स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल।